नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां बात करते हैं एडवांस एक्सेल के बारे में। ये वी लुकअप ट्रिक्स की वीडियोज है, वी लुकअप कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी वी लुकअप ट्रिक्स की ये छठी वीडियोज है, जिसमें हम बात करेंगे टू वे वी लुकअप, टू या थ्री वे वी लुकअप। मतलब कि मेरे पास क्या है कि डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जब देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम में आपको वी लुकअप के बारे में बताया, विलुकअप विथ मल्टी शीट। तो इसे आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो फटाफट मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसमें आईओएस एंड एंड्रॉयड दोनों लिंक अवेलेबल है। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो वी लुकअप ट्रिक्स की सीरीज की ये छठी वीडियो है, जिसपे हम बात कर रहे हैं टू या थ्री वे वी लुकअप। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डेटा शीट है, डेटा वन डेटा टू। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, कैसे? तो यहाँ डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डी वन कॉमा डी टू, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर डी वन को सिलेक्ट किया, यहाँ मैं डी टू को सिलेक्ट किया, देख सकते हैं आप यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं डी वन को सिलेक्ट करूँ तो डेटा मेरा डी वन से लुकअप हो, डी टू को सिलेक्ट करूँ तो डेटा हमारा डी टू से लुकअप। कैसे करेंगे? एसआई नंबर मान लीजिए यहाँ पे 5 कर दिया। तो यहाँ पे हम सिंपली लगाते हैं ना वी लुकअप, वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया आईडी नंबर को, और हम चले गए डेटा वन में, और यहाँ पे कॉमा टू कॉमा जीरो। अब जो कॉमा टू हमने किया है उसके जगह पे मैं मैच फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसके बारे में हमने इससे पहले कई बार जिक्र किया है हमारी सीरीज में। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो डी वन जो है यहाँ से लिंक हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी वन एड्रेस में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमा में ए लिया, मैंने कॉन्केट किया, सिंगल कोट था ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लिया, डी वन को हमने यहां से लिंक किया, फिर एंड परसेंट, फिर इसको हमने इन्वर्टर कोमा में एड्रेस को यहां से ये जो ले लिया, और यहां पे हमने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट वैल्यू आया। क्यों? क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं कि ये जो एड्रेस लगा है ये एड्रेस आखिर में टेक्स्ट में रिकन्वर्ट हो गया। इसको अगर फॉर्मूला में आप जाएंगे, फॉर्मूला एलिमिनेट करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो इसने बी लिया, इसने डी से डी टू लिया और दोनों को कंबाइन किया, या ये रहा आपका तो एड्रेस क्या बना, ये डी टू से ए कॉमा आओ ओ। अब ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब कि ये टेक्स्ट है न कि रेफरेंस है। इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए पूरे फॉर्मूले को मुझे इनडायरेक्ट के अंदर डालना होगा। किसके अंदर डालना होगा? इनडायरेक्ट के अंदर। अब देखिए एंटर मारते ही रिजल्ट इनने आया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष डालते रिजल्ट आ गया। ऐसे यहाँ पे हमने, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे, तो ऐसा कर सकते हैं आप, तो देखिए इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है, तो इसका यूज कर सकते। यहाँ पे मान लीजिए हम डी टू में यहाँ 5 और 7 डाल देते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, रिजल्ट आया। अब डी वन करेंगे तो डी वन का भी रिजल्ट आएगा, डी टू करेंगे तो डी टू का भी रिजल्ट आएगा। अब आपको यहाँ पे लगाना कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि इक्वल, हमने यहाँ पे हमारा रेंज क्या है, तो रेंज है ए से लेके ओ तक, तो मैं यहाँ ही पे कर देता हूँ इक्वल इन्वर्टेड को, यहाँ पे इक्वल हमने लिया इसको एन परसेंट, और हमने सेमी कॉलम दे के ए से लेके ओ तक यहाँ दे दिया, सिंपल।
अब मैं यहां अगेन वी लुकअप लगा रहा हूं, वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू लिया और यहां हम देते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला, क्या देते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा, रीजन हमारा तीसरे नंबर पे है या आठवें नंबर पे है, यानी मैच फॉर्मूला लगाना है तो मैच फॉर्मूला भी लगा सकते। फिलहाल मैं यहाँ पे टू करके एंटर मारता हूँ, कॉमा जी, ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब मैच के लिए भी चाहिए मुझे, तो मैच के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं सेमीकॉलन, यहाँ पे ए वन, यहाँ पे देना पड़ेगा ए वन से लेके ओ वन। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे वी लुकअप, जहां पे मैनुअल टू दिया था उसके अंदर लगाएंगे मैच, मैच में हमने रीजन को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, यहां भी इनडायरेक्ट फॉर्मूला देंगे और इनडायरेक्ट फॉर्मूला को लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा जीरो कर ब्रैकेट क्लोज, पूरी तरह से ऑटोमेट हो गया। इसी को फ्रीज करके हम आगे ड्रैग कर सकते हैं। अब समझिए कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला करता क्या है, जैसे कि के वन पे 500 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इक्वल अगर के वन करूं तो के वन को लिंक करके 500 दे देगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे के वन दे दिया और मैं चाहता हूं कि इक्वल ए जो के वन है, के वन एज ए टेक्स्ट ना लेके इस रेफरेंस को रेफर करके 500 दे, तो एक्सेल नहीं समझता है कि इस पे दिया गया के वन एक्चुअली में के वन है। इसके लिए मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट फंक्शन इस काम को करेगा, के वन को के वन रेफरेंस में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे 500 दे दिया। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं वी लुकअप की वैल्यू को। तो फटाफट इस ऐप को डाउन, ऐप इस वीडियो में ऐप में जाइए, इस वीडियो की जो प्रैक्टिस फाइल है उसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मैं टाइप कर रहा हूँ 8802579388, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इंडिया से बाहर से हैं तो +91 जरूर लगा लीजिएगा। थैंक यू।